हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में से हम लोग पढ़ेंगे वे संबंधित क्वेश्चन, और वो भी अभी टाइप चल रहे हैं, और टाइप में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 12, और टाइप नंबर 12 से हम लोग कुछ और नए सीखते हैं। तो चलिए, टाइप नंबर 1 से 11 तक आप टाइप अवश्य देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट से आप सारा वीडियो को देख डालिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे रहा हूँ, और सुनिए मेरी बात, अगर आप इस वीडियो को देखते नहीं हैं तो आपके लिए बड़ा भूल है। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो एज से संबंधित जितना भी पेपर में क्वेश्चन पूछता है वो सब क्वेश्चन को आप बना देंगे। तो पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद ही क्वेश्चन को यहां से अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। टाइप नंबर 12, और टाइप नंबर 12 का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:2 है, ठीक है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का युग 43 वर्ष हो जाएगा, तो प्रत्येक की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ठीक इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो अवश्य इस क्वेश्चन को बना देंगे। क्वेश्चन को देखा जाए, दो व्यक्ति हैं ए और दूसरा बी, समझिएगा क्वेश्चन को। दोनों व्यक्ति का अनुपात 3:2 कितना दिया है? 2 दिया है। अब बताइएगा कि ये रेशियो पर ध्यान दीजिएगा, कुछ देर के लिए आपको रेशियो पर ध्यान देना है। रेशियो कब का है? न रेशियो के आगे प्लस है और न रेशियो के आगे माइनस है। इसका मतलब कि ये जो ए और बी का रेशियो है ये कब का है? आज का है, वर्तमान का है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद, आज नहीं, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग। इसका मतलब कि दोनों का आयु 4 वर्ष बढ़ गया है। तो यहां से चलिए, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, इसका मतलब कि इनका दोनों का योग कितना वर्ष है? तो यहां से आपका दिया है 43 वर्ष। बात को समझिएगा। देखिए, इस पे ध्यान, एक पर ध्यान नहीं दीजिए, दीजिए किस पे? आपका रेशियो पर, रेशियो ही ओरिजिनल होता है। तो रेशियो देखिए, ध्यान दीजिए कब का है, कब, जब का रेशियो होगा तब का उम्र को आगे, मतलब कि नीचे और ऊपर, मतलब कि बाद और पहले किया जाएगा। तो देखिए, तो 4 वर्ष बाद योग, इसका मतलब कि रेशियो आज का है, योग कब का है भाई? 4 वर्ष बाद का है। तो 4 वर्ष पहले आएंगे तो मेरा वर्तमान में आ जाएगा एस योग। तो यहां से बताइए, जब दोनों 4 वर्ष बाद गया है तो ए भी 4 वर्ष बाद गया है और बी भी 4 वर्ष बाद गया है, तो ए को भी 4 वर्ष पीछे आएंगे और बी को भी 4 वर्ष पीछे लाएंगे। तो कितना घटेगा वर्तमान में आने के लिए? 4 ए भी घटेगा और 4 बी भी घटेगा। तो 4 दूनी का कितना घट गया? 8 घट गया वर्तमान में आने के लिए। तो 13 मिले 8 गया कितना? 13 मिले 8 गया कितना? 5, ठीक है। और यहां से कितना हो गया? 3 हो गया। अब चलिए, दोनों का वर्तमान में योग कितना गया? 35 वर्ष। और दोनों के वर्तमान में अनुपात का योग कितना होगा? 3:2:5। तो यहां से कर देंगे, 5 में कितना? 35, तो 1 में कितना हो जाएगा? 7। यहां तक समझ में आया क्यों घटाए हैं? घटाए हैं, ये बाद का है, जब बाद का है तो ये रेशियो मेरा ओरिजिनल वर्तमान का है, तो इसको भी वर्तमान में लाना है, ठीक है। तो इसीलिए बराबर करने के लिए इसको घटाए हैं। तो यहां से 1 में 7, तो क्वेश्चन कह रहा था कि प्रत्येक की वर्तमान आयु निकालिए, तो 1 में 7, तो 7 × 3 = 17 का कितना होता है? 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष। और इसका निकालेंगे एज वर्तमान में, तो 1 में 7, तो 7 × कितना? 14 वर्ष आपको एज हो गया। ए का अभी उम्र कितना है? 21 वर्ष, और बी का उम्र कितना है? 14 वर्ष। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये सब सभी लोग जितना भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, ये सब कंटेंट जो देते हैं, टाइप जो देते हैं, ये सब क्या देते हैं? प्राइवेट देते हैं, जो आपको देता है कि पैड वाला वीडियो होता है उसमें ये लोग क्वेश्चन कराता है, कोई यूट्यूब में ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहा है। हम अपने करा रहे हैं किसके लिए भाई? तो हम करा रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं भाई, इनको पैड वीडियो नहीं चाहिए, इनको पूरा वीडियो दीजिए कि ये लोग भी पढ़ सके, ठीक है। तो यहां से मेरा टाइप पढ़ने के बाद आप सभी लोगों के साथ एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, तो आप इस वीडियो को देखिए और एक भी क्वेश्चन को अपने हाथ से निकलने मत दीजिए।
ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए चलेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा था सेकेंड नंबर, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा था कि एम तथा एन की आयु का अनुपात 6:5 है, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, देखिए 2 वर्ष बाद आयु का योग 48 वर्ष हो जाएगा, तो एम की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा। ठीक है, पहले एम की छोड़ दीजिए ना, पहले यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला व्यक्ति एम है और दूसरा व्यक्ति एन है, इनका रेशियो दिया है 6:5 कितना, 6 रेशियो कितना है, 5 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखिएगा 2 वर्ष बाद, तो यहां से 2 वर्ष बाद कर दिए, ठीक है 2 वर्ष बाद इनकी आयु का ज्ञान क्या है, अरे भाई आयु का क्या दिया है, योग दिया है कितना वर्ष, 48 वर्ष है। अब बताइएगा यहां से सुनिएगा, रेशियो को ध्यान दीजिए, कब का रेशियो है, वर्तमान में रेशियो है, तो जो योग है ना इसको भी वर्तमान में लाना जरूरी है। ये तो मान लीजिए कि ये वर्तमान में है लेकिन 2 वर्ष बाद ये तो ऊपर ना चला गया, तो ऊपर चला गया है तो क्या करेंगे, जब ये वर्तमान में है तो इसको भी वर्तमान में ले जाएंगे, तो दोनों का योग, इसका मतलब कि एन भी 2 वर्ष बड़ा होगा और एम भी बड़ा होगा, दोनों बड़ा होगा तो 2 × 4 कितना वर्ष घटाना पड़ेगा तो वर्तमान में आएगा, तो 2 एम भी बड़ा है और 2 एन भी बड़ा है, तो 2×4 यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 44 वर्ष हो जाएगा। अभी दोनों का आयु का योग कितना, 44 वर्ष, और यहां से जोड़ देंगे जब इधर योग तो इधर भी योग होना चाहिए, तो इधर योग 6×5 कितना, 11 और 11 में कितना, 44, तो 1 में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, जब 1 में 4 होगा तो क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद एम कितना वर्ष का होगा, तो पहले अभी कितना वर्ष का एम है उसको तो निकालें, तो 1 × 4 तो 6×4 6×4 = 24 वर्ष। अगर क्वेश्चन पूछ रहा कि एम की वर्तमान आयु बताइए तो कितना वर्ष हो जाएगा, 24 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद एम कितना होगा, तो आप ही मान लीजिए कि अभी हम 24 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाएंगे, तो 5 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो कितना वर्ष का हो जाएगा एम कितना वर्ष का हो जाएगा, 29 वर्ष का हो जाएगा 5 वर्ष बाद। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 3rd नंबर क्वेश्चन, यो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि अमन तथा विशाल का आयु का अनुपात 4:1 है, यदि उनके 3 वर्ष बाद आयु का योग 46 वर्ष होगा तो प्रत्येक का वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, प्रत्येक का क्या निकलना है, वर्तमान उम्र, मतलब कि अमन भी बताइए और विशाल का भी बताइए वर्तमान में अभी लोग कितने हैं। तो चलिए यहां से दिक्कत नहीं है, पहला अमन है, ठीक है अमन है, और दूसरा क्या है भाई, विशाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि अमन और विशाल के अनुपात कितना दिया है, 4:1 दिया है, ये रेशियो वर्तमान का दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल बाद, देखिए ना 3 साल बाद इनकी आयु का योग कितना दिया है भाई, तो यहां से दिया है 46 वर्ष, तो आयु का योग कितना, 3 साल बाद, 3 साल बाद इलो कितना वर्ष का है, दोनों का योग 46 वर्ष का है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से छोड़ दीजिए, इस पे आइए, रेशियो पर, रेशियो कब का है, तो रेशियो वर्तमान का है, अरे रेशियो वर्तमान का है, जब रेशियो का वर्तमान का है तो इधर भी वर्तमान में होना चाहिए योग, तब ना योग इधर, तो इसको भी योग जोड़ेंगे, तो 3 वर्ष अमन भी बड़ा है और 3 वर्ष विशाल भी बड़ा है, तो कितना घटाना पड़ेगा वर्तमान में आने के लिए, 3 अमन और 3 विशाल, 3×6 आपको क्या करना, माइनस करना पड़ेगा, तो 6 यहां से माइनस करेंगे तो दोनों का वर्तमान का योग कितना होगा, 40 वर्ष, और जब इधर योग है तो इधर भी योग होना जरूरी है, 4 × 5 और 5 में कितना, 40 और 1 में कितना होगा, 8×5 = 40। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा था कि दोनों की वर्तमान में अनुपात, माने दोनों की वर्तमान में आयु क्या होगा, तो यहां से चलिए 1 में 8 तो 8×4 = 32 वर्ष का कौन हो जाएगा भाई, 32 वर्ष का अमन होगा, और यहां से 1 में 8 तो 1×8 कितना, 8 वर्ष का कौन हो जाएगा, आपका विशाल होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट तक हर वीडियो को ही देखना,
लास्ट तक हर वीडियो को ही देखना है, इसलिए कि हमने आपको विस्तृत रूप से क्वेश्चन को करा रहे हैं और टाइप को करा रहे हैं। यहाँ से टाइप पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए ना तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है।